तो भाई फाइनली रोमन रेंस के 1000 दिन एज यूनिवर्सल चैंपियन के शुभ अवसर के ऊपर दी ब्लड लाइन इज फाइनली एंड, यानी ब्लड लाइन अब ऑफिशियली एंड हो चुकी है। रोमन रेंस के खुद के ब्लड, उनके भाई जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है जिमी उसो, उन्हीं ने अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर नाइट ऑफ चैंपियंस के मेन इवेंट में। और भाई क्या सही टाइम पे ब्लड लाइन एंड हुई, मतलब रोमन रेंस के 1000 दिन कंप्लीट हुए और उसी सेम दिन ब्लड लाइन भी खत्म हो गई। एंडिंग में जिमी उसो ने जो कांड किया उस पर भी आएंगे, लेकिन मैच के स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या कुछ हुआ इस सारे मैच में। जब चारों सुपरस्टार रिंग में आते हैं तब पॉल हेमन अनाउंसर के हाथ से माइक छीन लेते और इंट्रोडक्शन देते हैं सोलो सिकोवा और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। इस पर सैमी ज़ेन भी बराबरी करते हैं, सैमी ज़ेन जो अरेबिक ड्रेस पहन के आए थे भाई, वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया सैमी ज़ेन ने। और यहीं पर नहीं रुके भाई, सैमी ज़ेन ने अपना और केविन ओन्स का इंट्रोडक्शन भी अरेबिक लैंग्वेज में दिया और इस मैच को स्टार्ट भाई रोमन रेंस और सैमी ज़ेन ने किया। बाद में रोमन रेंस सोलो सिकोवा को टैग दे देते और बाहर चले जाते हैं। एंड रोमन रेंस के बाकी हर एक मैचेस की तरह ये मैच भी थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है। सैमी ज़ेन, केविन ओन्स और सोलो सिकोवा इस मैच को स्टार्ट करते हैं और रोमन रेंस रिंग साइड पर खड़े खड़े पूरे मैच में क्राउड के सामने ही देख रहे होते हैं, क्राउड को चुप करा रहे होते हैं। पूरा क्राउड वहां पर रोमन रेंस के लिए गुड बाय का सॉन्ग गा रहा होता है। एंड जब फाइनली सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा दोनों ही फाइट कर करके थक जाते हैं तब वो दोनों ही टैग करते हैं अपने अपने टैग टीम पार्टनर्स को। केविन ओन्स और रोमन रेंस दोनों ही आते हैं फुल ऑन एक्शन के साथ में। केविन ओन्स पॉप अप पावर बॉम्ब लगाते हैं रोमन रेंस को, उसके बाद टॉप रोप के ऊपर जाके फ्रॉग स्प्लैश भी लगाते हैं। एंड इसके बाद जो मूवमेंट आया था भाई, रोमन रेंस एक स्पीयर लगाने जाते हैं केविन ओन्स को, लेकिन केविन ओन्स उसको बदल देते हैं स्टनर में। एंड फिर रोमन रेंस थोड़ा पीछे जाके रोप से टकरा के मूवमेंट गेन करके एक स्पीयर लगा देते केविन ओन्स को, और भाई क्या स्पीयर था यार, केविन ओन्स पूरा 360 डिग्री घूम गए। और फिर सोलो सिकोवा एंड सैमी ज़ेन इन दोनों को टैग मिल जाता है। सैमी ज़ेन हेलुआ किक लगाने जाते हैं, सोलो सिकोवा उसको कन्वर्ट कर देते हैं सुपर किक में। और फिर सोलो ने मैच को एंड करना चाहा समोन स्पाइक लगा के, लेकिन सैमी ज़ेन उसको कन्वर्ट कर देते हैं हेलुआ किक में। एंड फिर वो पिन करते हैं सोलो को 1-2, और इसी बीच रोमन रेंस आके काउंटडाउन ब्रेक करवा देते हैं। फिर वो एक ब्रूटल अटैक करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, इसी बीच रेफरी आता है उनको दूर करता है। एंड यहीं पर आता है मैच का टर्निंग पॉइंट जहां पर रोमन रेंस स्पीयर लगाने जाते हैं सैमी ज़ेन को, लेकिन वो हट जाते और स्पीयर लग जाता है रेफरी को। अब रोमन रेंस रेफरी की तरफ देख रहे और पीछे सैमी ज़ेन तैयारी कर रहे सुपरमैन पंच की। वो एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, स्पीयर लगाने जाते हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता है। और इसी बीच पीछे से आके केविन ओन्स एक स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंस को, और फिर वो रोमन रेंस को ले जाते हैं कमेंट्री टेबल्स के पास में, वहां पर वो टेबल्स को क्लियर कर रहे होते हैं। इसी बीच एंट्री हो जाती है हमारे जिमी एंड जे दी उसोस की। वो आके सैमी ज़ेन और केविन ओन्स के ऊपर अटैक करते हैं, केविन ओन्स के ऊपर वो टेबल को टर्न कर देते हैं जैसा ब्रॉक लेसनर के ऊपर किया था समर स्लैम में लास्ट ईयर। और फिर रिंग में आके सैमी ज़ेन को डबल सुपर किक लगाने जाते हैं, और यहीं पर सैमी ज़ेन हट जाते हैं, वो किक लग जाती है सोलो सिकोवा को। और रिंग साइड पर रोमन रेंस हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। वो रिंग में आते हैं, जिमी और जे दोनों को धक्के देते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें कब कहा था यहाँ पर आने के लिए। इस पर जे उसको कहते हैं हम तो मदद करने आए ट्रैवल चीफ तुम्हारी। रोमन रेंस कहते हैं मैंने मदद मांगी ही नहीं, फिर क्यों आए हो तुम। और गुस्से में आके रोमन रेंस जे उसो को धक्का देते हैं, इसी बीच पीछे से आके एक सुपर किक लगा देते हैं जिमी उसो। और भाई इस पर जो क्राउड का रिएक्शन आया है, मेरी खुद की नींद उड़ गई थी जब मैं इसको देख रहा था रात को। यहाँ पर जिमी उसो की खुद की आंखें फट गई थी, भाई मैंने ये क्या कर दिया। और जे उसो भी शॉक थे, पूछ रहे थे जिमी उसो से भाई क्या कर दिया ये तूने। इस पर जिमी उसो का रिप्लाई आता है मैंने वो ही किया जो तुझे बहुत सालों पहले कर देना चाहिए था। और ये रिप्लाई भाई क्या ही ट्रेंड कर रहा है अभी सोशल मीडिया पे। यहाँ पर रोमन रेंस शॉक पड़े, पीछे पॉल हेमन भी शॉक हो गए, उनके फेस के रिएक्शन देखने लायक थे। अब जिमी उसो सोच रहे कि अब क्या करूं, एक सुपर किक तो मार दिए, चलो एक और मार देता हूं। एंड एक और सुपर किक मारने के बाद जे उसो कहते हैं अब निकल ले, यहां से निकलने का टाइम है। जे उसो ले जाते हैं जिमी उसो को अपने साथ। रोमन रेंस बाहर रिंग साइड पर पड़े होते हैं। एंड देन सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन आते हैं रिंग के अंदर। सैमी ज़ेन अपना फिनिशिंग मूव हेलुआ किक लगाते हैं सोलो को, एंड फाइनली पिन करके रिटेन कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। और सैमी ज़ेन भी भाई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, टॉप रोप पे खड़े होकर रोमन रेंस को दिखा रहे हैं देख भाई मेरे हाथ में दो दो टाइटल्स है जो कि तू लेना चाहता था। और यहाँ पर भी नहीं रुके, जब रोमन रेंस वापस बैक स्टेज जा रहे थे एंट्रेंस एरिया से, वहां पर भी सैमी ज़ेन और केविन ओन्स दोनों ही चारों टाइटल्स पकड़ के खड़े हैं रोमन रेंस को दिखाने के लिए। तो यस, आई होप आपको भी इस मैच ने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया होगा और इस वीडियो ने भी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना सारे लोग याद से।